ये एक इनफॉर्मल सेशन ही रहे, सत्संग जैसा. दूरी बहुत है मंच और ऑडियंस के बीच. गोल आकार में बैठते एक साथ तो माहौल बनता, लेकिन फिर भी इसको एक हम अनौपचारिक सत्संग समझें. तो इफ़ एनीबडी वॉन्ट्स टू से समथिंग, रिक्वेस्ट अ सॉन्ग, दिस इज जस्ट इनफॉर्मल सेशन. Avinash asked me if I would share some songs of Kabir since I'm here, and I thought why not share a few songs with you that speak about knowledge, since we are all in the business of knowledge, aren't we? Education, knowledge, seekhna, sikhana, padhna. So, ye kuch sakhiyan hain, kuch chand sakhiyan. With English translations for those who don't get the Hindi or the medieval Hindi for that matter. And some songs, and I think it won't be difficult for us to join the dots. हम अपने संदर्भ में कबीर जब वो ज्ञान की बात करते हैं तो हम अपने संदर्भ में इसे जोड़ पाएंगे, मेरी उम्मीद है. There's a curious word from medieval India. I don't know, iske roots shayad Urdu mein hain. Fame. When I first heard it, I was confused. But fame means knowledge. Fame. To Kabir kehte hain. Fame aage, fame piche. फेम आगे फेम पीछे, फेम की नहीं ढेरियां. फेम ऊपर फेम हारे, सो फेम है मेरियां. नॉलेज अहेड नॉलेज बिहाइंड, नॉलेज इन स्टैक्स एंड पाइल्स. अ नोइंग दैट नोज व्हाट नोइंग इज, दैट्स द नॉलेज दैट्स माइन. तो फेम आगे फेम पीछे, फेम की नहीं ढेरियां. फेम ऊपर फेम हारे, सो ही फेम है मेरियां. हे जिरे, सो फेम है मेरियां. तो लेट अस स्पेंड 1 hour delving into what is fame, what is true knowledge, truth, wisdom, what are we in search of. To sabse pehli baat jo jab kabir ki baat aati hai aur padhai likhai ki baat aati hai to aap sab jante honge kaun sa pehla doha zehen mein uthta hai, shuruaat usi se karte hain, kyun na. तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, और पंडित भयो न कोई. ढाई अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो. हे जीरे, पढ़े सो पंडित हो. I think this was talked about at various moments in our sessions today. Knowledge without love, without feeling, without bhav is a very dangerous thing. It's cold. Cold facts help nobody. To Kabir is baat pe bahut kehte hain. To chaturai chulhe pade, tumhari chaturai chulhe pade. Ye इतने काम किए ये. चतुराई चूल्हे पड़े, ज्ञान कथे हुलसाए. भाव भक्ति जाने बिना, ज्ञान अपनो चली जाए. हे जिरे, ज्ञान अपनो चली जाए. सो
ऑफ योर सेल्फ, चतुराई, हाँ, फ्लश योर एरोडिशन डाउन द ड्रेन. इफ नोइंग हैज नो फीलिंग सीकिंग, व्हाट डिड यू ट्रूली गेन? दया भाव हृदय नहीं और ज्ञान कथे बेहद, यो नर नरक में जाएंगे कही सुनी साखी और शब्द. हे जिरे कही सुनी साखी और शब्द. हार्ट्स डिवॉइड ऑफ एम्पथी, हेड्स फुल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, सच फेलोज आर ऑन द रोड टू हेल, सेज कबीर, स्पाउटिंग क्लेवर एफोरिज्म्स. तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो. तो पढ़ी पढ़ी के पत्थर भयो जीरे रे रे रे, लिखी लिखी भयो है ईंट. कहे कबीर तो है प्रेम की हाँ, लागी ना एक है छींट. पढ़ पढ़ के पत्थर भयो, रीडिंग एंड रीडिंग यू टर्न टू स्टोन, राइटिंग राइटिंग एज हार्ड एज अ रॉक. You didn't let love touch you, says Kabir, not even a single drop. तो ये पहला भजन मालवा का है. कालूराम जी से मैंने सुना, सीखा, कालूराम बामनिया जी, जिसमें वो कहते हैं भाव बिना भक्ति कदिया नहीं होवे. भक्ति, let's interpret भक्ति as a लगन, as a devotion, as a seeking, as a साधना, as seeking truth, wisdom. तो भाव बिना भक्ति कदिया नहीं हुए. और इसमें बहुत सुंदर रूपक हैं. एक शब्द के पीछे जो मृग लगन से जाता है, वो शब्द सुनी सुनी जाए. relentless seeking, but with love, with heart, heartful seeking. रटत पपयो, बूंद को प्यासो है. देर इज पूरी जान उसमें है. वो जो पपीहा पीयू 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 की रट लगाए हुए उस एक बूंद की तरस में बैठा है, बैठी है, वो भावपूर्ण भक्ति है. पीयू पीयू रटे है दिन रात. तो दिस इज अ गोरखनाथ जी भजन फ्रॉम मालवा. शब्द सुनी रे सुनी जा दे रे भाई भाई शब्द भी तो शब्द सुनी रे सुनी जा दे रे गुरु का लगन मगन रहना भाव से रे भाई भाव बिना भक्ति कदिया नहीं होवे साचा बिना जिबड़ो ठेठ नहीं पहुंचे है थारो मनख जमारो हेड़िया जा बेरे थारो धन पर ले होई जा
तेरे गुरु का लगन मगन रहना भाव से रे भाई आहार टाटा पपैयो बूंद को प्यासो है आहार टाटा पपैयो बूंद को प्यासो है नीतो की उठी रटे है दिन रात रे भाई भाई कियो कियो नीतो की उठी रटे है दिन मगन रहना भाव सिर भाई भाव बिना भक्ति को दिया नहीं होवे है आहा साच बिना जीवड़ो ठेठ नहीं पहुंचे है थारो मनख जमारो एड़िया जा रे थारो धन पर मैं हुई जा मेरे गुरु का लगन मगन रहना भाव सिर भाई आहा कागार को यलम बैठा है बीरज पे आहा तो खेचेगा सुर मारी रे खरे भाई भाई खेचेगा नी तो खेचेगा सुर मारी रे खरे गुरु का लगन मगन रहना भाव सिर भाई आहा भाव बिना भक्ति कदी आने ओहो साचा बिना जीवड़ो ठेठ नहीं पहुंचे है थारो मनक जमारो एड़िया जा मेरे गुरु का लगन मगन रहना भाव सिर भाई भाई अगनी बैठा डरेगा नहीं बक मन में आहा अगनी बैठा डरेगा नहीं बक मन में नी तो कूदेगा सला के रे माँ मेरे गुरु का लगन मगन रहना भाव सिर कार जोड़ा गोरख नाथ बोलिया है आहा दुई कार जोड़ा गोरख नाथ बोलिया है नी तो सत अम राहपुर पावर भाई भाई सत अम राहपुर पावर गुरु का लगन मगन रहना ठेठ नहीं पहुंचे थारो मनक जमारो एड़ा जा मेरे थारो धन पर लह हुई जा मेरे गुरु का लगन मगन रहना भाव सिर भाई गुरु का लगन मगन रहना भाव सिर गुरु का लगन मगन रहना भाव सिर भाई।
मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागद की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे. इज अ फेमस लाइन फ्रॉम अ कबीर भजन. आई स्पीक ऑफ वॉट आई सॉ, यू ऑफ वॉट यू रेड. हाउ कैन योर माइंड एवर मीट विद माइन. मैं कहता सुलझावनहारी, तू कहता तू रहता उरझाई रे. मैं कहता जागत रहियो, तू रहता है सोई रे. तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए. कबीर गोज इवन फर्दर. इट्स नॉट इवन व्हाट यू सॉ, इट्स नॉट इवन व्हाट यू रेड एंड हर्ड दैट ही डिसमिसेस. लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात. सो व्हाट डज द बारात डू? बारात तो देखती है, अच्छा दूल्हा दुल्हन मिल रहे हैं, वरमाला हो रही है. बट द एक्सपीरियंस ऑफ यूनियन between bride and groom is what Kabir is pointing us to. It can't be written or spoken about. It cannot even be seen. When the bride and groom unite in love, the wedding party loses its sheen. तो जो real जिसको कहते हैं action, वो तो वहाँ हो रहा है, हम तो बस बराती हैं. तो Kabir asks this question कि क्या तुम जिंदगी भर बराती ही रह गए, कुछ खुद चखा के नहीं? तो साखी लाए बनाई के इत उत अक्षर काट. कहे कबीर कब लग जिए झूठी पत्थर चाट. समझ में आया? हिंदी बोलने वालों को समझ में आया? इट्स सो शार्प एंड सो मॉकिंग. झूठी पत्तल चाट के क्या होगा? साखी लाए बनाई के इत उत अक्षर काट. कहे कबीर कब लग जिए झूठी पत्तल चाट. यू क्लेम यू रोट अ पोएम, इट वॉज कट एंड पेस्टेड फ्रॉम द अदर्स. कबीर आस्क्स, How long will you get by licking others' leftovers? To karmi bina kathani kathe, agyani bina raat, kukar saman bhut sat phire, suni sunai baat. Fools preach but do not practice. They babble night and day, like dogs set off by others, barking mere hearsay. To kukas kute an bina, bin karne ka gyan, jo banduk goli bina, bhadak na mare aan. Such delightful images. You learn it but don't live it, like thrashing husk with no grain. A gunshot with no bullet sounds loud, but who does it hit? तो ये book learning और book learning से कहीं और जाना, ये बात कथनी बक बक बोल बोल से करनी पे उतरने की बात कबीर और संत कवियों में बहुत कूट कूट के भरी है. तो ये एक दूसरा भजन मालवा से, ये एक बनानाथ जी का भजन है. आई जस्ट चेंज पिचेस.
करना रे होए सो कर ले रे साधो, मनख जन्म दुहेलो है, लख चौरासी में भटकत भटकत अब के मिलियो महेलो है। जो करना है कर लो, ये मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता है। जप तप नैम व्रत और पूजा शट दर्शन को गेलो है, पार भ्रम को जानत नाही, भूलिया भूलिया भरम बहेलो है। तुमने जप किया, तप किया, व्रत किया, माला मुद्रा तिलक सब कर लिया, शट दर्शन का रास्ता देख लिया, लेकिन अगर तुम्हें वो दिव्यता हर जगह नहीं मिली, पार भ्रम को जानत नहीं, तो ये सब डिल्यूजन है, भ्रम है, भूल है। कोई कहे हरि बसे बैकुंठा, कोई कहे हर गौलोको है, कोई कहे शिव नगरी में साहेब, जुगा जुगा हार्ट बहेलो है। मतलब ये दौड़ लगी है, हार्ट है, सब लोगों ने दुकानें लगाई हैं, सेइंग माय गॉड वर्सेस योर गॉड। अण समझ्या हरि दूर बतावे, समझ्या साथ कहेलो है। सतगुरु सैन अमोलक दीन ही, हर दम हर को गेलो है। जो अण समझे हैं, जिन्होंने नहीं समझा, वो कहते हैं कि द ट्रूथ इज वेरी फार अवे, गॉड इज वेरी फार अवे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, ट्रूथ गॉड। समझ्या साथ कहेलो है, जिनने समझ लिया वो कहते हैं कि तो हरि तो हमारे दिल में है। सतगुरु सैन अमोलक दीनी, मेरे गुरु दिस विजडम गेव मी अ प्रेशियस साइन, सैन, हर दम हर को गेलो है। वो यहाँ पन हो रहा है हर पे, हर इज एवरी एंड हरि इज हरि, सो हर दम, एवरी ब्रेथ इज द पाथ टू हरि, गेलो इज रास्ता। दिया राम गुरु पूरा मन मिल गया, कोई अजप जाप जपेलो है। कै बनानाथ सुनो भाई साधो, महाराज सतगुरु जी को हेलो है। हेला पाड़ना यानी दूर से आवाज लगाना। सो बनानाथ जी कह रहे हैं, आई एम हियरिंग द कॉल ऑफ दिस विजडम एंड आई एम रिस्पॉन्डिंग। जन्म दुहेलो है, लख चौरासी में भटकत भटकत थारे अब के मिलियो महेलो है। कनारे होए सो खलेर साधो, कनारे होए सो खलेर साधो। हाँ मनख जन्म दुहेलो है, लख चौरासी में भटकत भटकत थारे अब के मिलो महेलो है। कनारे होए सो खलेर साधो, तप नैम व्रत और पूजा। हाँ शटर शन को गेलो है, पार ब्रह्म को जानत नाही, थारे भूलिया भूलिया भरम बहेलो है। कनारे होए सो खलेर साधो, कोई कहे हरि बसे
कुंठा। हाँ कोई कहे बोलो को है, कोई कहे शिव नगरी में साहिब। हाँ जुग जुग हट बहेलो है, करना रे वो सो कर ले रे साधो। जन्म दुहेलो है लख चौरासी में भटकत भटकत। थारे अब के मिलो महीनो है, कनारे हो सो कर ले रे साधो। हरिपुर बतावे हम समझा साथ कहे लो है, सतगुरु सेन या मूलक दीदी। अरे हरदम हर को गेलो है, सतगुरु सेन या मूलक दीदी। हाँ हरदम हर को गेलो है, कनारे हो सो कर ले रे साधो। जप जाप जपेलो है, कहना नाथ सुनो भाई साधो। हाँ सत गुरु जी को हेलो है, कहना नाथ सुनो भाई साधो। हमारा सत गुरु जी को हेलो है, कन्नर हो सो कलेर साधो। जन्म दुहेलो है लख चौरासी में भटकत भटकत। थारे अब के मिलो महीनो है, कनर हो सो कर ले रे साधो। हाँ कनर हो सो कर ले रे साधो। हाँ कनर हो सो कर ले रे साधो। तो जब असली ज्ञान का आगमन होता है कबीर के जीवन में, ये कहीं सुनाई बातें नहीं, नॉट ऑल दिस हियरसे, नॉट ऑल दिस किताबी ज्ञान, तो क्या होता है? आई विल जस्ट रीड यू अ पोएम, आई डोंट सिंग दिस सॉन्ग, बट इट्स सच अ स्टनिंग पोएम। आई ज्ञान की आंधी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि अच्छा कुछ नई चीज़ समझ में आ गई। ये तो आपकी ज़िंदगी को उल्टा देने वाली बात होती है जब इस ज्ञान का प्रकाश आता है। यू आर ब्लोन अवे। आई ज्ञान की आंधी, भरम की टाटी सबै उड़ानी, माया रही ना बांधी रे। हित चित के दुई थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी पड़ी धर ऊपर, दुर्मति भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निरचू चूवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बरसा, तेही तेरा जन भीना,
कहे कबीर मन भया उजासा, उदय भानु जब चीन्हा। तो लाइक अ फ्यूरियस स्टॉर्म विजडम स्वेप्ट इन, द रूफ ऑफ डिल्यूजन्स हैज ब्लोन अवे, द टाइज ऑफ माया लूजन, ट्विन पिलर्स ऑफ डाउट क्रैक एंड क्रम्बल, द बीम ऑफ क्लिंगिंग केव्स इन, पॉट्स ऑफ मिसबिलीफ लाई स्कैटर्ड इन पीसेस, सो टू द रूफ ऑफ क्रेविंग, विद ग्रेट स्किल एंड आर्ट सीकर्स बिल्ड इट अगेन, अ होम वेयर नो वाटर ड्रिप्स इन, द बॉडी इज सेट फ्री ऑफ फेकरी एंड फ्रॉड, नाउ द सीक्रेट ऑफ हरी अवेकन्स, द गेल इज गॉन, इट्स रेनिंग लव, सोकिंग ट्रू सीकर्स टू द स्किन, says Kabir, in the light of a wet new sun, all darkness is banished within. तो कबीर की व्याख्या में sitting on the dry banks of the shore is not true knowledge. For knowledge you have to immerse, you have to take the plunge, आपको गीला भीगना पड़ेगा। और ये बात वो अनेक अनेक रूपकों से करते हैं। तो ये भी एक मालवा का भजन है, प्रहलाद जी, प्रहलाद टिपानिया जी से सुना सीखा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई मैं भी हो गई लाल, तो जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट मैं बोरी डूबन डरी, किनारे बैठ those who quested found, they plunged into the deep, foolish girl me, scared of drowning I stayed dry upon the beach, to satguru करी कहा एक परसंग, बरसा बादल प्रेम का, हाँ भीग गया सब अंग, प्लीज्ड विद मी माय गुरु रिवील्ड समथिंग हिडन, a cloud of love burst into rain, I was drenched to the skin. तो ये भजन है, हमारा सतगुरु है रंगरेज, चुनरिया महारी रंग डारी। माई गुरु इज रंगरेज इज अ डायर, मेरी चुनर उसने रंग डाली है। भाव के कुंड और नेह के जल में प्रेम दिया रंग घोल, सत किया चरसी, चरसी इज स्टार्च, सो इट हैज बिन washed and dyed in bhav and love, and it is being starched with the color of truth, and this is a wonderful dye. Din din hove surang, it doesn't fade on washing, it gets deeper and deeper. This quality of wisdom that has colored the fibers within becomes more and more luminous. सतगुरु है रंगरेस, चुनरी अर मोरी रंग डारी, रंग डारी गुरु ने रंग डारी हो, रंग डारी गुरु ने रंग डारी, मारा
सतगुरु है रंग रे चुनरी और मारी रंग डारी। आपको यदि थोड़ा रस मिल रहा है इस गायन से तो इतने गंभीर होके मत सुनिए, ये क्लास नहीं चल रही। हमारा सतगुरु है रंग रे चुनरी और मारी रंग धारी, रंग धारी गुरु ने रंग धारी हो, रंग धारी गुरु ने रंग धारी। हमारा साहिब है रंग रे चुनरी और मारी रंग धारी, भाव के कुंड और नेह के जल में प्रेम रंग गीना घोल, भाव के कुंड और नेह के जल में प्रेम रंग गीना घोल। सत किया चरसी लगाई क्या, सत किया चरसी लगाई के हम खूब रंगिया रख जो चुनरी और मारी रंग डारी, चुनरी और मारी ही रंग धारी। हमारा साहिब है रंग रे चुनरी और मारी ही रंग धारी, रंग धारी गुरु ने रंग धारी हो, रंग धारी गुरु ने रंग धारी। साहिब है रंग रे चुनरी और मारी ही रंग धारी, हम स्याही रंग छुड़ाई के रे दियो माजी धोयो रंग, स्याही रंग छुड़ाई के रे दियो माजी धोयो रंग। चुनरी और मारी ही रंग धारी, हाँ दिना दिना होवे सुरंग चुनरी और मारी ही रंग धारी। हमारा साहिब है रंग रे चुनरी और मारी ही रंग धारी, रंग डारी गुरु ने रंग डारी हो, रंग डारी गुरु ने रंग डारी। मारा साहिब है रंग रे चुनरी और मारी रंग डारी, हाँ कहे कबीर सुनो हो रंग रे जवान मुझ पर हो यार दया, कहे कबीर सुनो हो रंग रे जवान मुझ पर हो यार दया, शीतल छो
नारी और मोरी रंग डारी साहिब है रंग रे चुनारी और मारी रंग डारी रंग डारी गुरु ने रंग डारी हो रंग डारी गुरु ने रंग डारी मारा साहिब है रंग रे चुनारी और मारी रंग नारी हमारा सतगुरु है रंग रे चुनारी और मारी रंग नारी हमारा साहिब है रंग रे चुनारी और मारी रंग नारी सॉन्ग फ्रॉम मालवा आज सभी मालवा के ही भजन हुए एंड देन वी विल क्लोज विद एनी सॉन्ग इफ एनीबडी हैज अ रिक्वेस्ट द पैरट वन ओके हाँ जी ओके ना पाओगा ओके आई एम जस्ट गोइंग टू रीड द मालवी एंड द ट्रांसलेशन बिन गुरु ज्ञान ना पाओगा मोरे साधु भाया फोकट जन्म गवाया रे जल भर कुंभ रहे जल भीतर बाहर भीतर वाके पानी हो उलट कुंभ जल जल ही समाना तब क्या करे वहां कोई ज्ञानी हो मोरे साधु भाया बिन कड़ताल पखावज बाजे बिन रसना से रस पाया हो गावन हार के रूप नहीं रेखा सतगुरु अलख लखाया मोरे साधु भाया है वो अथाह थाह सब हीन में दरिया को लहर समाया हो जाल डाल क्या करे ढीमर ढीमर यानी फिशरमैन मीन मछली तो हो गई पानी रे मोरे साधु भाया पंछी को खोज और मीन को मारग ढूंढे से ना कोई पाया हो कहें कबीर सतगुरु मिले पूरा जो भूले को राह बताया हो विद नो गुरु नो विजडम कैन डॉन योर लाइफ विल बी स्क्वांडर्ड अवे अ पॉट फुल ऑफ वॉटर स्टेज इन वॉटर वॉटर आउटसाइड एंड इन पॉट ओवरटर्न्स वॉटर मीट्स वॉटर What do clever ones make of this? No cymbal or drum, a sound resounds. No voice, no throat, no song. This singer has no face or features. The guru unveils a formless form. The immeasurable immense takes shape in the small. The ocean pours into a wave. Casting his net, what can the fisherman do if the fish becomes water itself? The path of a fish, the flight of a bird, can they be frozen or traced? Kabir says, you've wandered too long. A true guru will point the way.
ज्ञान न पावगा मोरे साधु भाया भोकट जन्म गवाया हो मेरे था तो जन्म गवाया हो बिन गुरु ज्ञान न पावगा मोर साधु भाया बिन गुरु ज्ञान न पावगा मोर साधु भाया निरथा तो जन्म गवाया हो कट जन्म गवाया हो जल भर कुंभ रहे जल भीतर बाहर भीतर बाके पानी हो जल भर कुंभ रहे जल भीतर बाहर भीतर बाके पानी हो उलट कुंभ जल जल ही समान उलट कुंभ जल जल ही समान तो क्या करे वहां कोई ज्ञानी रे मोर साधु भाया क्या करे वहां कोई ज्ञानी रे मोर साधु भाया भोकट जन्म गवाया हो हाँ निरथा तो जन्म गवाया हो बिना खड़ताल पखावज बाजे रे बाजे बिना रसना से गुण गाया हो बिना खड़ताल पखावज बाजे बाजे बिना रसना से गुण गाया हो गावण हार के हाँ रूप नाही रेखा गावण हार के हाँ रूप नाही रेखा सतगुरु अलख लखाया रे मोर साथ भाया सतगुरु अलख लखाया रे मोर साथ भाया भोकट जन्म गवाया हो निरथा तो जन्म गवाया हो बिना गुरु ज्ञान न पावगा मोर साधु भाया बिना गुरु ज्ञान न पावगा मोर साधु भाया निरथा तो जन्म गवाया हो भोकट जन्म गवाया हो सब हीन में दरिया को लहर समाया हो
हट जाना माँ गवाया हो, हाँ निरथा तो जाना माँ गवाया हो। पंछी को खोज और मीन को मार्ग ढूंढे सेना कोई पाया हो, हाँ पंछी को खोज और मीन को मार्ग ढूंढे सेना कोई पाया हो। कबीर सत गुरु मिले पूरा, कहे कबीर सत गुरु मिले पूरा, तो भूले करा हाँ बताई रे मोर साधु भाया, भूले करा हाँ बताई रे मोर साधु भाया। भोपत जाना गवाया हो, हाँ विरथा तो जन्म गवाया हो, हाँ भोकत जन्म गवाया हो। बिना गुरु ज्ञान न पाऊंगा मोर साधु भाया, सतगुरु ज्ञान दिखाएगा मोर साधु भाया। भोकट जन्म गवाया हो, विरथा तो जन्म गवाया हो, विरथा तो जन्म गवाया हो। So I will end with one last song. We'll make it the parrot and the jungle song. हाँ हाँ sorry. काफी सारे दोस्त पूछते रहते हैं जब से आपका वेबसाइट आया है, बहुत सारे लोग आए हैं, ऐसे प्रोफेसर लिंडा के बारे में पूछते रहते हैं, ये सब लोग मालवा में कैसे पहुंच गए? है ना? और मालवा में तो बहुत सालों से कबीर गा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो अगर आप थोड़ा सा बता पाएं, आपने सुबह अपने इंट्रोडक्शन में कहा था जी कि आप अहमदाबाद में थी और 2002 के बाद जी फिर इस तरह से, तो आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली मैं मेरे लिए कहना चाह रहा हूँ, मैं देवास में बहुत लंबे समय रहा जहाँ मालवा की बात कर रही हैं, और वहाँ ये गाँव में गाने वाले लोग हैं, सदियों से गा रहे हैं, तो मुझे लगा यार मैंने जो यूनिवर्सिटी में पीएचडी की है इससे ज़्यादा इनका डिवोशन है। वहाँ ना कोई एनजीओ है, ना वहाँ कोई गवर्नमेंट है, ना कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है, कैसे चल रहा है ये? और पूरे दिन की मजदूरी और खेती बाड़ी करके थके हारे वो पहुँचेंगे और पूरी रात भजन करेंगे और फिर सुबह सीधा, तो वो क्या अंदर ऐसी एनर्जी है, कहाँ से इतनी ऊर्जा है? सौ सौ भजन याद है उनको, हमको तो पांच चीज बोलनी है, तो अभी मैं कागज लिए बैठा हूँ, है ना? तो आई थिंक मतलब लोगों की ये जो विजडम है, हमारी हेरिटेज है, हेरिटेज की हम बहुत बात करते हैं ना इंडिया में, तो आई थिंक मैं एक ये और कहना चाह रहा हूँ, महाराष्ट्र के बहुत लोग हैं यहाँ पे और अलग अलग राज्यों के लोग हैं, हर जगह ऐसे ओरल ट्रेडिशन है जिनमें जिनको आजकल हम संविधानिक मूल्य कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू कह रहे हैं, वो सब है पहले से जी, है ना? तो ये जो आजकल हम कह रहे हैं ना एक काफ़ी पोलराइजेशन हो रहा है वगैरह वगैरह, इसके आंसर यही है जी। तो खैर मैं अभी रुक रहा हूँ, आप थोड़ा सा अगर आपकी पर्सनल स्टोरी, किस तरह से आप इतने बड़े काम से जुड़े, आज इस मुकाम पे आप आए हैं, अगर आप आपका मन हो जितना जैसा हो। जी मैं क्या शेयर करूँ, सियाग भाई आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया आपकी जर्नी के बारे में, जी आप बताएं। मेरा क्वेश्चन है,
मैंने एक सिनर्जी देखी है कबीर के होशियार रहने में और ओशो के जागरण में, कृष्णमूर्ति के कॉन्शसनेस में, रमन महर्षि को लेके, और फिर आप अष्टावक्र की गीता देखें तो ये सारी में एक सिनर्जी मुझे दिखती है जी। और मुझे हमेशा लगता है कि कबीर जो कहना चाहते हैं वो बहुत ही सिंपल शब्द में डायरेक्ट कह पाते हैं। हालांकि सिंपल है लेकिन क्या इतना भी सिंपल है, क्या हम उन चीज़ों को तो अंडरस्टैंड करते हैं, वो एक अलग सा मसला है। बट आई एम आस्किंग टू यू कि हम इस होशियार रहने को या कबीर के इस ज्ञान को करंट के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखें और क्या कुछ उससे हम ले जा सकते हैं। सवाल थोड़ा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। मुझे दरअसल डायरेक्टली नहीं सूझ रहा कि इन दोनों बातों का क्या मैं जवाब दूं, लेकिन मुझे लगता है, और ख़ास करके हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मैंने सुबह शब्दशाला की बात की, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अक्सर ये इस मूंझवण में, इस चक्र में आ जाते हैं कि ये बहुत सिंपल है कि बहुत गूढ़ है, ये बच्चों के लिए कैसे हम ले जाएंगे। कई लोगों का मानना है कि बच्चे वर्डलेसली इस बात को ज़्यादा गहराई से अपना पाते हैं। प्रॉब्लम एडल्ट्स की है, उनको ज़रा रास्ते में से हट जाना चाहिए, क्योंकि हम बड़ों में और ख़ास करके टीचर्स में बहुत एंग्जाइटी होती है जवाब देने की, आंसर्स देने की, मीनिंग पाने की, क्योंकि आप टीचर ठहरे तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बच्चों के पास कैसे लेके जा रहे हैं। दिस एंग्जाइटी वी ट्रांसमिट टू चिल्ड्रन टू सीक सेंस एंड मीनिंग कॉन्स्टेंटली एंड इंस्टेंटली। जैसे आपने भजन सुना तो इसका क्या मतलब है, राइट? इमीजिएटली आता है क्या वो क्या कह रहे हैं कबीर साहब। मैंने इन सफरों में एक बात जहन में उतारी है, वो ये है कि ज्ञान फलित होता है, वो एक बीज की तरह है, ये शब्द बीज की तरह है। आप अगर फर्टाइल भूमि में, बच्चों की फर्टाइल भूमि में इनको प्लांट कर सकते हैं और अपने दिल में प्लांट कर सकते हैं, तो देन दीज सॉन्ग्स एक्चुअली अनफर्ल देयर मीनिंग्स टू यू बाय एंड बाय, स्लोली, ओवर टाइम, आपके अनुभव के आधार पे, आपके जीवन के अनुभवों के आधार पे इनके रहस्य खुलते रहते हैं। एंड इट इज़ रिमार्केबल हाउ आफ्टर 20 ईयर्स यू विल फाइंड न्यू मीनिंग्स इन द सेम सॉन्ग दैट यू हैव बीन सिंगिंग फॉर 20 ईयर्स। तो दीज सॉन्ग्स बेयर रिपीटिंग, यू नो, दैट इज़ वाई सत्संग शब्द परंपरा में बार बार वही दोहराना, बिकॉज द तो मुझे लगता है कि इनका लेयर्स में मीनिंग्स खुलते हैं और बच्चों को सहज रूप से हम ये एक तरह से बीज दे सकते हैं, एंड देन विद द फेथ दैट दे विल, एंड यस, हम परिपेक्ष को लेके निराश भी हो सकते हैं, लेकिन क्यों, वी मे बी सरप्राइज्ड। जी बिल्कुल, एक गुजराती कवि कहते हैं, मकरंद दवे, अमे वेर्या छे वीज छुट्टा हाथे, हवे बादल जाने ने वसुंधरा। आई हैव स्कैटर्ड सीड्स विद अ फुल एंड ओपन लविंग हैंड, नाउ इट्स अप टू द अर्थ एंड द क्लाउड। यस हेलो, मुझे जो आपका सुना इसमें इतना सुकून है और ठहराव भी है, और जो मैं पूछने वाली हूँ, मुझे नहीं लगता ज्ञान के सामने वो क्वेश्चन भी सही है या नहीं, पर कबीर को इतना दोहों के रूप में रटा है, पढ़ा है, सब कुछ है, लेकिन आज के समय में कबीर बहुत प्रासंगिक होते जा रहे हैं, तो इसका कोई विशेष कारण है या वापस अपनी जड़ों की तरफ मुड़ रहे हैं हम? मुझे पर्सनली, मैनी पीपल मे डिसएग्री विद मी, मुझे लगता है कि ये हमारा थोड़ा सा ईगोसेंट्रिसिज्म है कि हमें लगता है कि हमारा वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है,
हमारा ही वक्त, वी आर इन दैट मोमेंट इन हिस्ट्री. अगर कबीर का वक्त इतना प्रासंगिक ना होता तो वो क्या लिखते ये सब? ऑब्वियसली ही वॉज मूव्ड टू राइट दीज थिंग्स बिकॉज द फॉली ऑफ द ह्यूमन कंडीशन हैज बीन पेरिनियल. द फॉली ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, आर कैपेसिटी टू क्रिएट डिविजन्स, आर कैपेसिटी टू गेट अटैच्ड टू पेटी गोल्स is legendary. It is as old as mankind. So I feel we should, you know, yes, there is an urgency, but let's not overdo that narrative too much. जैसे कि मैं एक और बात कहती हूँ अक्सर कि लोग आके कहते हैं कि ये बानियाँ, ये heritage, ये this is very good, this is बहुत मुझे I am very moved. What can I do to help save the tradition? So then I first stop them and I say, okay, first know that the tradition will save you. Ye jo hamara gurur hai, these are all forms, subtle forms of egocentricism. This idea that we, the middle class educated people, will save this parampara. The parampara is kicking fine, doing well without your help. So आप थोड़ा सा सर झुका के आएँ इस परंपरा की ओर कि इस परंपरा से आपको क्या मिल रहा है, फिर we'll talk about how you can support the tradition. हेलो मैं actually I don't know I am able to explain my concern or not. मुझे जितना कबीर को समझने मिला या मैं समझ पाया, मुझे ये लगा कि जिस एज में वो थे, जिस तरह वो समाज को देख रहे थे, एंड अगेन जो लाइफ स्टाइल था लोगों का, उसके बीच रहकर अपना काम, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाकर फिर भी द इटर्निटी को समझना और उसको छूने की कोशिश करने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, उनके दोहे के मीडियम से लोगों तक पहुंचना और लोगों को समझ को, उसको थोड़ा समझदारी को बहुत आसान तरीके से उनको समझाना, इस तरह का था. मेरा जो क्वेश्चन अभी का है, अभी का जो जनरेशन है, अभी जो बच्चों को आप भी जो कोशिश कर रहे हैं जी. हम एक आइडियलिटी की बात करते हैं, इस पूरा जो कोशिश है उनको सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, किस तरह हो सकता है या करना चाहिए, या टू रियलाइज द ट्रूथ, समथिंग लाइक दैट. बट समहाउ दे आर इन द डिलेमा कि जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो आइडियलिटी को फॉलो नहीं करते हैं, एंड वी आर आस्किंग देम टू फॉलो द आइडियलिटी, एंड हुम दे विल फॉलो द इमीडिएट द पर्सन दो हुम दे एक्चुअली एडमायर, देयर पेरेंट्स, देयर टीचर्स. वी कैन नॉट से दे आर इन द वेरी आइडियल फॉर्म्स, एंड वी आर आस्किंग एंड वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू बी समथिंग लाइक डिफरेंटली. सो समहाउ to get some balance, I don't know, and I'm not able to explain properly, I may be, but you might get the sense ki hum karna jo chah rahe hain wo actually hai nahi jagah pe jo actually insist kar paaye. So how you feel or how you find it? Nahi, main aapki baat sun rahi hu, samajh rahi hu aur usse sahanubhuti rakhti hu ke sandarbh itna मुश्किल है और उस संदर्भ में इस प्रकार की बातें करना और इस जो आप आइडियलिज्म कह रहे हैं वो करना, लेकिन वेयर विल दे फाइंड दैट आइडियलिज्म, दैट ट्रूथ, दैट प्लेस ऑफ ठहराव एंड सुकून? वेयर विल वी फाइंड इट? I don't know. I think the answer is that we will find it. अगर हम हमारे संदर्भ की गतिविधियों को एक रूप में रूपांतरित होने की आस्था रखने में पूरा अपना जान डालेंगे,
If we get so attached to the goals, to the ends of what we are trying to do, we are going to be, we will face despair. It is true. That is why I keep saying, and in the morning also I said that, I think Arvind also said that in his thing. Aap prayas karo na. Stop right there. Don't get attached to seeing this grand transformation in the social world. You keep doing what you have to do. And if your sense of satisfaction, sense of meaning derives from that, somewhere it is coming from within then. It's not dependent on results in the external world. Of course, we are working to impact the external world. It's not about retreating. But it's that subtle art of finding that thairav in the action here and now. It has to make meaning now. That's all you can do. You cannot do more than that. तो उसके प्रति अगर आपका जुड़ाव हो, फल के प्रति जुड़ाव ना हो, तो you are in a good place. And I think that is love. That is the spirit of this brave parrot and her action. Because अगर उसको फल की पड़ी होती, तो वो दो बूंद तो कहाँ बरसाती इस आग के ऊपर? She did what she did, could do. So something like that is, I think, the answer to this despair that we feel. Ke kya, what can we do? How will things change? You know? I'm getting a nod to now close. Yes, got it. Okay. So I'm not going to tell the story again. I'm not going to share the words. These are Marwadi. This is a Marwadi bhajan from Jaisalmer, Maheshwaram ji ki parampara se suna sikha. की जोर धर्मी सा
जानो रहते पंख बाहिरो तमाहु हुडी पर को जो आए हैं खिलिए फाला खादा रहते पन बीरो forward to discussions on Shabbat Shala in our breakout group tomorrow morning, especially those of you who are working in Rajasthan, Malwa, Madhya Pradesh and Gujarat. The synergies will be very, very immediate if we meet tomorrow. So please come. Thank you.